After Effects के इस ट्यूटोरियल में हम ये हैंड रिटन वाइब वाला फॉलो एनिमेशन क्रिएट करेंगे। ये देखकर लग रहा होगा कि सिर्फ कैमरा लेयर पे मल्टीपल की फ्रेम्स लगाकर हो जाए, नहीं यार, वो तो फुल ऑन मजदूरी है। थिंक अबाउट दिस, अगर वीडियो में इस तरह के मल्टीपल एनिमेशन क्रिएट करने हो तो हर एक पाथ के लिए की फ्रेम्स क्रिएट करके उनके ग्राफ्स को एडजस्ट करना इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और ये सब करने के बाद अगर आपका मन बदल गया एंड यू मेक सम चेंजेस इन द पाथ, तो सारी की फ्रेमिंग और एडजस्टमेंट्स वापस करनी पड़ेगी। सो टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू कम्प्लीटली ऑटोमेट दिस प्रोसेस। यानी पाथ चाहे कैसा भी हो, कैमरा उसको अपने आप ट्रैक करेगा, और अगर आप उसमें कोई चेंजेस करते हो तो वो ट्रैकिंग डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। This is gonna give you accurate and buttery smooth movements every single time. So, इस वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी इफेक्ट का ब्रेकडाउन करके उसे रिक्रिएट कैसे करना है। 25 मिनट का डिटेल्ड ट्यूटोरियल है। बड़े बड़े लोगों ने कमेंट्स किए बिकॉज इस एक वीडियो से बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो इसी में कुछ एक्सप्लेनेशंस और एनालिसिस के लिए मैंने पेन पेपर का यूज किया था। उससे दिमाग में आया कि जो भी चीजें डिजिटली सॉफ्टवेयर में क्रिएट होंगी, यानी बैकग्राउंड्स, फॉन्ट्स या इफेक्ट्स वगैरह, उनसे भी वो पेन पेपर वाली हैंड रिटन वाइब आनी चाहिए टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। अब आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी अपन किसी चीज के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करते हैं तो सारे पॉइंट्स पेपर पे डालकर उनको एरोस से कनेक्ट करते हैं। तो ये सेम चीज मैंने अपनी ब्रेकडाउन प्रोसेस के बेनिफिट्स बताने के लिए क्रिएट करी। मेरे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग ये एरोज अलग अलग पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे थे और इनकी मूवमेंट वॉज द ड्राइविंग फैक्टर बिहाइंड मूविंग द कैमरा एज वेल। अब एकदम ऊपर ऊपर से देखें तो ये इफेक्ट दो स्टेप्स में क्रिएट होती है। द फर्स्ट इज सेटिंग द कैनवस। सबसे पहले गूगल इमेजेस में आकर टूल्स पे क्लिक करके ये दोनों फिल्टर्स लगा दो, जिससे नो कॉपीराइट वाला हाई रेजोल्यूशन का पेपर बैकग्राउंड मिल जाए। उसे आफ्टर इफेक्ट्स में लाकर सर्च फॉर ग्रिड और ये उस पे ड्रॉप करते ही पेपर गायब हो जाएगा बिकॉज इफेक्ट का ब्लेंडिंग मोड इज नन। स्विच दिस टू नॉर्मल और ऐसी ग्रिड दिखेगी जिसका कलर हम इफेक्ट कंट्रोल्स में ही चेंज कर सकते हैं। ये ग्रिड इफेक्ट इसलिए डाली बिकॉज मैं जिस पेपर पे समझा रहा था वो लाइनों वाला चेक पैटर्न में था, सो आई वांटेड टू एमुलेट दैट लुक फॉर द डिजिटल बैकग्राउंड एज वेल। लिटिल थिंग्स दैट गो अ लॉन्ग वे। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार ये टाइप का पेपर तो गूगल से भी मिल सकता था, आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करने का क्या मतलब। कस्टमाइजेशन, ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट विड्थ एंड हाइट स्लाइडर्स, इनको आगे पीछे करके वी कैन चेंज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेसिंग बिटवीन दीज लाइंस। इसी के साथ साथ बाय एडजस्टिंग द पोजीशन ऑफ दिस एंकर पॉइंट हम कोई भी टाइप की पैटर्न आराम से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये लाइंस बहुत ज्यादा स्मूथ है, इन्हें वो पेंसिल वाला रफ लुक देने आई विल सर्च फॉर टर्बुलेंट डिस्प्लेस इफेक्ट। और इस पे ड्रॉप करते ही लाइंस में ऐसे इंटेंस वेव्स या कर्व्स आ जाएंगे। अब जरा सोचो, रफ टेक्सचर के लिए इतने हैवी कर्व्स और डिस्टॉर्शन की जरूरत नहीं है, हमें हर एक वेव की साइज और डिस्टॉर्शन की इंटेंसिटी को कम करना पड़ेगा, एंड वी कैन डू दैट थ्रू द साइज एंड अमाउंट पैरामीटर्स। साथ साथ इनकी ओपेसिटी भी कम कर देंगे बिकॉज फिलहाल ये काफी डिस्ट्रैक्टिंग है, जिसकी वजह से पढ़ने में दिक्कत आ सकती है। अब अपने बैकग्राउंड में थोड़ी मूवमेंट डालते हैं। कम टू एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑप्शंस, ऑल्ट क्लिक ऑन रैंडम सीड और ये दो लाइंस का एक्सप्रेशन लिख दो, जिससे पेपर और लाइंस ऐसे हल्का सा नाचने लगेंगे। ये रैंडम सीड क्या होता है और ऐसे अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस को मैंने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है, इसको मिस मत करना बिकॉज ये सारे कॉन्सेप्ट्स अलग अलग प्रोजेक्ट्स में बार बार यूज होते हैं। अब दो टेक्स्ट लेयर्स क्रिएट करके अलग अलग जगहों पर प्लेस कर दो। उसके बाद एरोज यानी लाइंस क्रिएट करने मेक श्योर कि आपका कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो। ग्रैब द पेन टूल, डिसेबल द फिल पैरामीटर बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड सिलेक्टिंग नन। क्लिक ऑन स्ट्रोक, सिलेक्ट सॉलिड कलर और यहाँ से साइज और कलर पिक करके लाइन ड्रॉ करो। कर्व के लिए जस्ट क्लिक एंड ड्रैग और ये दोनों पॉइंट्स की मदद से आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। इससे एक नया लेयर क्रिएट हो जाएगा जिसको अच्छे से नाम दे देंगे। फिल को डिसेबल किया था बिकॉज अगर ये भी सॉलिड कलर पे होता तो ड्रॉ करते टाइम एक शेप बन जाता, विच वी डोंट वॉन्ट इन दिस केस। इन कॉर्नर्स को राउंडेड बनाने सिलेक्ट द शेप लेयर, कम टू प्रॉपर्टीज पैनल एंड क्लिक ऑन दीज टू बटन्स। ये सेम ऑप्शंस आपको शेप लेयर के कॉन्टेंट्स में जाकर भी मिल जाएंगे। लाइन को ड्रॉ करने वाला एनिमेशन देने क्लिक ऑन एड ट्रिम पाथ्स। अब इसके एंड पैरामीटर को आगे पीछे करूं तो वी कैन सी द मूवमेंट हैपनिंग। तो हमने इसी पर दो की फ्रेम्स लगाने हैं फ्रॉम 0 to 100 टू गेट दिस। ये की फ्रेम्स को ऐसे ही रहने दो, फिलहाल इजी ईज मत करना। नाउ टू क्रिएट द पॉइंटर, अगेन मेक श्योर कि आपका कोई भी लेयर सिलेक्टेड ना हो। पेन टूल से ड्रॉ इट, इसे एक नया लेयर बन जाएगा, रीनेम इट और सेम तरीके से इस पे ट्रिम पाथ्स वाली की फ्रेम्स लगाकर उन्हें अरेंज कर दो।
सच दैट लाइन एनिमेशन खत्म होने के कुछ फ्रेम्स बाद पॉइंटर क्रिएट हो. सो लेफ्ट से राइट जाने वाला एरो हमने बना दिया है. फॉलो द सेम स्टेप्स टू क्रिएट द वन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. आपके फाइनल लेयर्स कुछ ऐसे दिखने चाहिए और ट्रिम पार्ट्स की कीफ्रेम अरेंजमेंट शुड बी लाइक दिस, ताकि हर एक एनिमेशन के बीच थोड़ा गैप हो. अब ओरिजिनल एनिमेशन में मैंने बैकग्राउंड पे ये पार्टिकल्स वाला इफेक्ट डाला था. काफी लोगों ने इसके बारे में पूछा था और एक बंदे ने तो ये भी लिखा कि ये मच्छर जैसा क्या है. सो ये मैंने गैल टूलकिट यूज करके बनाया था. इनफैक्ट ये पॉपअप, बैकग्राउंड, हैंड ड्रॉन सर्कल, एरोज, ऑल ऑफ दीज आर क्रिएटेड यूजिंग द सेम प्लगइन इन जस्ट वन क्लिक. क्या बात कर रहे हैं? इस प्लगइन में आपको 1700 से भी ज्यादा इफेक्ट्स रेडीमेड मिलेंगी. टेक्स्ट एनिमेशन, ट्रांजिशन, इन्फोग्राफिक्स, बैकग्राउंड, साउंड इफेक्ट्स, ओवरलेज, जो भी चाहिए उसकी कैटेगरी में जाकर वैरायटी एक्सप्लोर करो और बस खाने की तरह ऑर्डर कर दो. वो तुरंत बना बनाया आपकी टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा और आप इसको अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज भी कर सकते हो. जैसे ये ओवरले बाय डिफॉल्ट डार्क बैकग्राउंड के लिए बना है बिकॉज इसके मच्छर या पार्टिकल्स व्हाइट कलर के हैं और इसीलिए फिलहाल ये हमारे ब्राइट पेपर पे नहीं दिख रहे. सो कोई दिक्कत नहीं, विल सर्च फॉर एन इफेक्ट कॉल्ड इन्वर्ट और ये इस पे ड्रॉप करते ही ब्लैक और व्हाइट स्विच मार लेंगे एंड देन वी विल चेंज द ब्लेंडिंग मोड ऑफ दिस प्री कॉम्प लेयर टू मल्टीप्लाई. इससे ये प्लेन व्हाइट सॉलिड हट जाएगा, सिर्फ ये काले पार्टिकल्स रह जाएंगे, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट ऑन अवर पेपर बैकग्राउंड. अब इनकी मूवमेंट फास्ट लग रही है मुझे, सो आई विल डबल क्लिक ऑन दिस प्री कॉम्प एंड दैट विल शो अस ऑल द इफेक्ट्स एंड लेयर्स जिससे ये पूरा ओवरले बनाया गया है. मूवमेंट को स्लो करने आई जस्ट नीड टू चेंज पोस्टराइज टाइम फ्रॉम 12 to 3 एंड दैट इज इट. जैसा चाहिए वैसा बन गया. मेरी दूसरी शॉर्ट फिल्म की एडिटिंग चल रही है और ये शॉर्ट में बंदे के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है. अब उसके बारे में ऑडियंस को बताने मुझे अलग से फोन का क्लोजअप नहीं दिखाना था. यार फ्रेम के लेफ्ट साइड में जो एम्प्टी स्पेस है ना, उधर विल हैव दैट नोटिफिकेशन वाला एनिमेशन. मेरे पास एक वो है क्या कहते हैं प्लगइन है, तो उसे कैसा कि वो यूआई वगैरह खुद से डिजाइन करने का झंझट मारी नहीं रहेगा. बस टेक्स्ट और कलर वगैरह चेंज कर दूंगा और साउंड इफेक्ट भी उसी में से मिल जाएगा, तो मतलब सीन सॉर्टेड है. तो यार जब आपको पता रहेगा ना कि ये सब इफेक्ट्स और एनिमेशंस तो अब एक क्लिक में बन सकते हैं, इनको अब 100 जगह ढूंढने की जरूरत नहीं, तो सही में आपके दिमाग से बहुत बड़ा लोड हट जाएगा और वो टाइम और एनर्जी आप किसी नए कॉन्सेप्ट या सॉफ्टवेयर सीखने में या फिर उसी प्रोजेक्ट के किसी और पार्ट में डाल सकते हो एंड दैट ऑफ कोर्स विल रिजल्ट इन हाई क्वालिटी आउटपुट्स, जिससे फिर आपको पता ही है कि क्या होता है. So go to the links in my description and use this code for getting a 20% discount. And by the way, this is a lifetime purchase with free updates. Yani ek hi bar khareedna hai, it's not a subscription. So we are done with the first step and now we can start tracking the arrows. To ye effect ke start mein, I only want to have like in the frame. इधर से ही arrow animation शुरू होते हुए दिखेगा. फिर zoom करके हम उसको follow या track करेंगे. This forms the middle and finally it will land on subscribe. और उसके बाद अपन हल्का सा zoom out करेंगे. Now there are two ways of doing this. In the manual method, we first create a null object, then we'll select all the text and shape layers और इसे link कर देंगे. अगर आपको ये null objects और parenting का concept नहीं पता, तो आप मेरी 3D camera tracking वाली video देख लेना. अब like को frame में लाने, I will adjust the position and scale of the null object और इनकी keyframes को activate कर दूंगा. अब इसको track करने, हमने इसकी tip को follow करना पड़ेगा. तो पहले तो scale बढ़ाकर zoom in करेंगे. And then we'll adjust the position ताकि ये tip center में आ जाए. इसी तरह इसको center में रखने हर थोड़ी देर में position keyframes लगाते जाएंगे, यानी हम इस line को manually track करेंगे और फिर end में we will zoom out using another set of scale keyframes. अब दिक्कत ये है कि this process is time consuming और इससे जो movement या tracking बनेगी वो by default shaky या फिर rough होगी. तब सिर्फ इनको इजी ईज करने से 100% स्मूथनेस नहीं आने वाली. हमें इन सबके ग्राफ्स के साथ खेलना पड़ेगा और यार जब ज्यादा की फ्रेम्स रहती है ना एंड दैट टू ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, तो वो एक्यूरेसी नेल करने में और भी टाइम लगेगा. और इतना करने के बाद जब आप वो देखते हो, मे बी यू फील कि नहीं यार इस लाइन एनिमेशन को तेज या फिर स्लो करना चाहिए एंड फॉर दैट इफ यू मेक एनी चेंजेस इन दीज ट्रिम पाथ वाली की फ्रेम्स, तो आपको ये ट्रैकिंग वाली फुल प्रोसेस वापस करनी पड़ेगी. तो यार मैनुअल ट्रैकिंग के ये सारे प्रॉब्लम्स मुझे सॉल्व करने दे, नॉट जस्ट फॉर दिस एनिमेशन बट फॉर अदर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एज वेल. अब यार ये सोचो कि जब अपन हाथ से कुछ शूट करते हैं तो शेक्स और जिटर्स आते ही हैं. वन ऑफ द वेज फॉर गेटिंग स्मूथ मोशन इज टू यूज अ मोटराइज्ड स्लाइडर. बेसिकली इसको पाथ की डिटेल्स बतानी होती है, यानी किस पॉइंट से कहां तक जाना है एंड देन वी नीड टू डिसाइड द स्पीड ऑफ दैट मूवमेंट. इनपुट वैल्यूज के अकॉर्डिंग ये प्लेट अपने आप चलने लगती है, इसके ऊपर कैमरे को माउंट किया जाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस वी गेट वेरी स्मूथ मोशन.
तो इसी से इंस्पायर होकर मैंने सोचा कि यार ये स्लाइडर वाला सेटअप अगर आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट कर दें तो ट्रैकिंग ऑटोमेट हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत ही कम टाइम और की फ्रेम्स में 100% एक्यूरेसी और स्मूथनेस मिलेगी। और जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सो अपना फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ये जो पाथ है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इसके बारे में स्लाइडर को बताना पड़ेगा। सो सिलेक्ट द शेप लेयर और ऊपर के सर्च बॉक्स में टाइप पाथ, फिर उसी लेयर में कीफ्रेम के बाजू में जो ये लिखा हुआ है ना, आई क्लिक ऑन दिस, इससे वो पूरा पाथ सिलेक्ट हो जाएगा। देन आई कम टू फाइल स्क्रिप्ट्स रन स्क्रिप्ट फाइल, ये स्लाइडोरा नाम की एक चीज मैंने बनाई है, इस पर डबल क्लिक करने पर ये विंडो आ जाएगी। नाउ व्हेन आई प्रेस दिस बटन, एक नल ऑब्जेक्ट अपने आप क्रिएट हो जाएगा, ये रहा वो। अब अगर प्लेहेड को आगे बढ़ाऊं तो वी कैन सी दैट इट इज मूविंग अलोंग द पाथ। तो हमने अपना स्लाइडर बना दिया है, इसको अच्छे से रीनेम करेंगे। अब इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये नल ऑब्जेक्ट की खुद की कोई की फ्रेम्स नहीं है, इसकी मूवमेंट ये शेप लेयर की ट्रिम पाथ वाली की फ्रेम से लिंक्ड है। यानी अगर मैं यहाँ पर कोई भी चेंजेस करता हूँ, जैसे स्लो या फास्ट करने आगे पीछे कर दिया और इजी ईज करके ग्राफ को कस्टमाइज करा, तो उससे पूरा पाथ एनिमेशन का ड्यूरेशन चेंज हो जाएगा, राइट? लेकिन फिर भी ये नल अपने पाथ से चिपका रहेगा। सो इन दिस मेथड द ट्रैकिंग या फिर ये स्लाइडर की मूवमेंट ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। अगर यही चीज अपन मैनुअल प्रोसेस में करते तो पूरी ट्रैकिंग फिर से करनी पड़ती। अब कैमरा क्रिएट करेंगे बाय गोइंग टू द लेयर मेन्यू एंड देन यू कैन यूज दीज सेटिंग्स। नाउ जस्ट लाइक रियल सेटअप, इसको स्लाइडर पे अटैच या माउंट करना पड़ेगा। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस पिक व्हिप, ड्रैग एंड ड्रॉप इट ऑन द नल। स्टार्टिंग में सिर्फ लाइक को दिखाने, थोड़ा जूम करके फ्रेम एडजस्ट करनी पड़ेगी। सो आई सिलेक्ट द कैमरा और पोजीशन पैरामीटर से पहले जी वैल्यू बढ़ाऊंगा, लेकिन यार कुछ हो ही नहीं रहा। वो इसलिए बिकॉज फिलहाल ये लेयर्स 2D हैं, इनको 3D में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि ये कैमरे के कंट्रोल्स और मूवमेंट को रिस्पॉन्ड कर सके। सो ये स्लाइडर और सारे टेक्स्ट और शेप लेयर्स को सिलेक्ट करिए, आई जस्ट क्लिक ओवर हियर। अगर ये ऑप्शंस नहीं दिख रहे तो यहाँ नीचे आकर जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन। अब कैमरे की पोजिशन वैल्यूज चेंज करके वी विल बी एबल टू एडजस्ट द फ्रेम। इसको एक बार प्ले करते हैं और ये देखो भाई, एकदम परफेक्ट और स्मूथ ट्रैकिंग हो रही है। अब एनिमेशन स्टार्ट होते ही लाइन पे जूम करना है। सो इस पॉइंट पे कैमरे की पोजीशन पैरामीटर पे की फ्रेम लगाएंगे, फिर थोड़ा आगे जाकर विल जूम इन और एक्स एंड वाई वैल्यूज को 0-0 कर देंगे। इससे ये लाइन की टिप हमेशा सेंटर में रहेगी। इन दोनों को इजी ईज करके विल गेट दिस। एरो बन जाने के बाद विल एड अ की फ्रेम और फिर टाइमलाइन में आगे जाकर जूम आउट करके रीफ्रेमिंग कर दें तो हमें ये मिलेगा। अब इस पॉइंट पे कैमरे को सिलेक्ट करके विल प्रेस कंट्रोल और कमांड प्लस शिफ्ट प्लस डी। दिस विल स्प्लिट अवर कैमरा लेयर एट दिस पॉइंट। इसका रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन फिलहाल राइट से लेफ्ट वाले एनिमेशन के लिए विल अप्लाई द सेम स्टेप्स। ये लेयर को सिलेक्ट करके सर्च फॉर पाथ एंड क्लिक ऑन दिस, फिर अपनी स्लाइडोरा स्क्रिप्ट रन करेंगे विच विल क्रिएट अ न्यू नल ऑब्जेक्ट जो कि राइट से लेफ्ट वाली मूवमेंट का स्लाइडर रहेगा। अब ये जो कैमरा 2 है ना, इसको अपन ये नए नल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट कर देंगे। तो समझ रहे हो हम लोग क्या कर रहे हैं। स्टार्टिंग में अपना सेटअप ये था, देन वी गॉट अ न्यू स्लाइडर फॉर द सेकंड लाइन। अब अगर डायरेक्टली इस कैमरे को इससे पैरेंट कर दें तो लेफ्ट से राइट की ट्रैकिंग नहीं हो पाएगी। इट्स लाइक स्लाइडर ऐसे ही आगे निकल गया, कैमरे को उस पे माउंट किया ही नहीं था, इसलिए वी स्प्लिट द कैमरा लेयर और दूसरे वाले को इससे पैरेंट कर दिया। अब राइट से लेफ्ट के दौरान जो भी जूमिंग या रीफ्रेमिंग करनी है वो हम कैमरा 2 पे करेंगे। सो दिस इज द फाइनल आउटपुट। अब क्योंकि हमने कैमरा क्रिएट किया है, वी कैन गो फॉर अ पैरलैक्स इफेक्ट। आपने ये देखा होगा कि जो चीजें कैमरे से नजदीक होती है उनकी मूवमेंट फास्ट लगती है एज कम्पेयर टू द वंस दैट आर फार अवे इन द बैकग्राउंड। तो आफ्टर इफेक्ट्स में हम लेयर्स की जी पोजीशन चेंज करके उन्हें कैमरे से पास या दूर रख सकते हैं और जब मूवमेंट होगी अपने 2D सीन्स काइंड ऑफ 3D लगेंगे। तो यार ये स्क्रिप्ट से आप कॉम्प्लेक्स लेवल की पाथ ट्रैकिंग लिटरली एक सेकंड में कर लोगे। और सच बता रहा हूँ, इस चीज को बनाने में काफी टाइम और एफर्ट गया है, देयर वाज अ लॉट ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो वो मेहनत को जस्टिफाई करने मैं ये स्क्रिप्ट फ्री में नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप लोगों की मदद भी करनी है इसलिए एकदम अफोर्डेबल रख रहा हूँ। और इसके साथ आपको मेरे एनिमेटेड बैकग्राउंड्स, अलग अलग टाइप के साउंड इफेक्ट्स और तगड़े लेवल के फॉन्ट्स जो मैंने ढूंढ ढूंढ कर निकाले थे, ये सब कुछ फ्री मिलेगा। So the original price of the script along with the free assets is just 149 rupees. लेकिन पहले 300 लोगों को ये सब कुछ सिर्फ 49 rupees में मिलेगा।
सो फटाफट गो टू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और इसका फायदा उठाओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.